हेलो ऑल, वेलकम टू टूटी गाइड। इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 5.3 से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर बुक में जो एक्सरसाइज नंबर 6.3 जो था वो सेम एक्सरसाइज नंबर 5.3 हो गया है, आप सभी को पता चल गया होगा, पर क्वेश्चन में कुछ भी चेंजेस नहीं है, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, What could be the possible ones digits of the square root of each of the following numbers? ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में चारों नंबर्स हमको गिवन है, उनका जो स्क्वायर रूट करने के बाद जो नंबर आएगा उसका वंस प्लेस हमारा कौन क्या आना चाहिए, मतलब क्या आएगा, वही आपको पूछा है। एग्जांपल लेते हैं, हम पहले ये जान चुके हैं कि 1 स्क्वायर 1 है, 2 स्क्वायर 4 है। देखो 2 स्क्वायर करेंगे, 2 इंटू 2 जो कि 4 आया, तो 4 भी हमारा वंस प्लेस ही आया। अब 4 ले लो, 4 का स्क्वायर करेंगे 1 6, उसका वंस प्लेस क्या आया, 6 आया है कि नहीं। सेम टू सेम 1 आना चाहिए, एंड और कौन से नंबर को हम स्क्वायर करेंगे कि 1 आएगा, क्योंकि 1 है यहाँ पर, करेक्ट। इसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है, 9 का स्क्वायर हमारा 81 है, तो उसका 81 का वंस प्लस 1 है कि नहीं। तो अभी हमको लिखना क्या है, अगर हम 81 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वंस प्लस हमारा 9 ही आएगा, और 1 का स्क्वायर रूट लेंगे वो भी 1 आएगा, है कि नहीं। तो 81 के जगह आप इसको रखो, स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, तो ये आंसर हमारा क्या होगा, 1 एंड 9, जिसको स्क्वायर करने के बाद हमको वंस प्लेस में 1 आएगा, अदरवाइज इसको स्क्वायर रूट करने के बाद, इनको स्क्वायर करने के बाद वंस प्लेस में 1 आएगा, और ये जो नंबर गिवन है इसको स्क्वायर रूट करने के बाद वंस प्लेस में 1 एंड 9 आएगा, करेक्ट। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है इसको स्क्वायर रूट करेंगे, पहले चेक करेंगे वंस प्लेस, करेक्ट। 6 कौन से नंबर पे आएगा, देखो 6 आएगा 4 को स्क्वायर करने के बाद, वंस प्लेस में 6 आ रहा है, एंड 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि 1 टू 20 तक आपको स्क्वायर रूट याद रखना है, जैसे कि आपको इजीली कर सकते हो, जैसे कि मुझे भी याद है, जिसमें फटाफट 4 का स्क्वायर 6 आ रहा है वंस प्लेस में, 6 का स्क्वायर वंस प्लेस में 6 आ रहा है, मुझे याद है इसलिए मैं कर पा रही हूँ। तो 6 यहां पर क्या लिखेंगे, 4 एंड 6, ओके 4 एंड 6 रहेगा तब भी जाके इसका स्क्वायर रूट, मतलब वंस प्लेस में 4 रहेगा तो उसका वंस प्लेस में 6 आएगा, ठीक है, 6 रहेगा तो वंस प्लेस में 6 आएगा, करेक्ट। ये आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट 1, तो 1 एंड 9, क्यों 9, 9 का स्क्वायर करने के बाद 81 आता है, वंस प्लेस में 1 आता है, यहाँ पर 1 है इसीलिए हम ये 9 को ले रहे हैं, ठीक है, इसका आंसर भी 1 एंड 9 होगा। नेक्स्ट 6 5 7 6 6 0 0 2 5, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो उसका वंस प्लेस क्या है, 5 है, तो 5 का ही मल्टीप्लाई करने के बाद 25 आता है, वंस प्लेस 5 आता है, करेक्ट, तो इसका आंसर ओनली 5 है जो कि हमारा फाइनल आंसर है। इसको मैं इरेज कर लेती हूं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स व्हिच आर सियोरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, ओके। तो ये जो नंबर गिवन है आपको बिना कैलकुलेशन में बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा, आपको पहले से याद रहेगा वो चारों नंबर हैं जिनका जो नंबर पे यूनिट प्लेस में ये चारों नंबर आएंगे, वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, करेक्ट। पहले भी हम इसी टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये नंबर 153, देखो 3 है तो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, बस आपको इतना ही लिखना है, क्यों रीजन नहीं लिखना है, रीजन हमको पूछा भी नहीं गया है, बस लिखा है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, और यूनिट प्लेस में 3 है, आग बंद करके आपको लिखना है नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देन 7 है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर,
ठीक है, सेम टू सेम वही लिखना है, 8 है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, लास्ट नंबर भी 1 है, तो मे बी और फिर मे नॉट बी, मे बी और मे नॉट बी। देखो अगर ये नंबर है वन, वंस प्लेस पे है, वंस प्लेस में आया तो वन होता है, मतलब वन एंड नाइन रहता है तो वन प्लेस में आता है, नंबर आता है, तो परफेक्ट स्क्वायर 9 स्क्वायर 81 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। पर 21 में अगर हम एग्जांपल 21 लेंगे, 21 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, तो इसी हिसाब से मे बी और मे नॉट बी, ओके, आपको ये लिखना है, बस इतना ही आपको मेंशन करना है, ओके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।